अपनी कमी है बेटा। कालिदास उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में कवि रहे। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में कवि रहे। विक्रमादित्य द्वितीय गुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय था। He was the court poet in the court of Vikramaditya II of Ujjain. How बोल दो बेटा, how? Okay बेटा, इनकी प्रमुख रचनाएं रही, तीन महाकाव्य लिखे हैं, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और माल विकाग्नि मित्रम। कौन सा मित्रम है बेटा? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तीनों की तीनों प्रेम कथाएं हैं। मैंने बताया कालिदास अपने काल के करण जौहर थे, इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ लिखा। खंड काव्यों में इनके प्रसिद्ध काव्य हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतु संहार। दो बीच के जो खंड काव्य आते हैं दोनों महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। किस कारणवश? रघुवंश वही महाकाव्य है जिसमें सोन नदी का उल्लेख मिलता है, मेघदूत वही खंड काव्य है जिसमें चंबल नदी का उल्लेख मिलता है। याद करो राजा रंती देव की गायों को कटवाने की कहानी, बादलों को नीचे झुक जाने का आदेश कालिदास ने मेघदूत में दिया है चंबल नदी के सम्मान में। हाँ या ना? कालिदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। कालिदास के बाद इस क्षेत्र इस काल के ही सबसे महत्वपूर्ण एक और व्यक्ति भर्तर हरि आते हैं। क्या नाम है इनका? वेरी गुड बेटा। भर्तर हरि जो रहे हैं उनका कर्म स्थली जो मानी गई, वैसे तो उज्जैन के राजा थे, इनकी कहानी मैंने सुनाई हुई है। पंडित जी आए थे के चले गए थे, रानी की सच्चाई खुल गई थी। कहते हैं कि इन्होंने पिंगला पद्माक्षी नाम की अपनी रानी की में ही देह त्याग दी थी। सच्चा प्यार भले धोखेबाज क्यों ना हो जान लेके ही जाता है। भर्तर हरि की कर्मस्थली जो है उत्तर प्रदेश में चुनार नाम का क्षेत्र मानी गई। कौन सा? भर्तर हरि ने भी कई सारे काव्य लिखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काव्यों में सबसे पहला काव्य है वैराग्य शतक। पहले वैसे भी श्रृंगार शतक, पहले वैसे भी ये श्रृंगार में डूबे रहे, फिर नीति का ज्ञान हुआ था तो नीति शतक लिखा, और अंत में वैराग्य धारण कर लिया। फिर श्रृंगार में डूबने के बाद जब नीति का ज्ञान हुआ तो श्रृंगार छोड़ करके वैराग्य धारण किया नीति के ज्ञान से। भर्तर हरि के बाद अगले व्यक्ति जो आते हैं वो है बाण भट्ट। क्या नाम है इनका? वेरी गुड बेटा। बाण भट्ट कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के दरबार में रहे हैं। कन्नौज नरेश हर्षवर्धन, इनका जन्म स्थान रीवा था। जन्म कहाँ हुआ? रीवा में। कहते हैं सोन नदी के किनारे जीवन के 14 वर्ष बिताए थे, ये हमने सोन नदी में पढ़ा भी था। बाण भट्ट की प्रमुख रचनाओं में अगर आप जाओगे तो इसमें आपको हर्षचरित मिलता है। सम्राट हर्ष की जीवनी लिखी थी इन्होंने, चंडी शतक लिखा है। 3 सेंचुरी लगाई थी भर्तर हरि ने, 1 चंडी सेंचुरी लगाई थी इनने। कादंबरी मिलता है, और इन्हीं के प्रमुख साहित्यों में एक पार्वती परिणय का नाम भी आता है, पार्वती परिणय। बाण भट्ट के बाद भवभूति का नाम आता है हमारे सामने। भवभूति चंदेल शासक परमार्दी देव, के दरबार में उपस्थित रहने वाले प्रमुख कवि रहे थे। भवभूति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भवभूति ने मालती माधव महावीर चरित और उत्तर रामचरित जैसे ग्रंथों की रचना की थी। किसने की थी रे? अरे बोलो बोलो बोलो, भवभूति ने। हाँ या ना? ओके बेटा लिख लो।